गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी कस्तूरी का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। हिंदी कस्तूरी में आपके सेकेंड भी टेस्ट में अर्थात द्वितीय इकाई परीक्षा में 3 चैप्टर आने वाले हैं। वे चैप्टर आप लोगों को करा दिए गए हैं। हमें उम्मीद है आप लोग इसे कंप्लीट भी कर लिए होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर कराने जा रहा हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारक किसे कहते हैं? इसकी परिभाषाएं आप लोग कई तरीके से सुने होंगे। इसकी जो परिभाषा है, इसका जो उत्तर है उत्तर दिया गया है वाक में क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ संज्ञा व सर्वनाम का संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। एक दूसरा जो इसका उत्तर है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध हो, क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध हो, कारक
जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें जो कारक शब्द है ये सब जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में यह जुड़ते हैं प्रत्यक्ष रूप से वही कारक कहलाते हैं। यदि ये कारक शब्द न हो तो यह जो वाक्य है आपका वाक्य स्पष्ट नहीं रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा, इसका एक निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा। उसी तरह से इसका जो दूसरा उदाहरण है, पिताजी ने मेरे मित्र से लंबी चर्चा की। पिताजी ने मेरे मित्र से लंबी चर्चा की। लंबी ये शब्द अगर इसमें नहीं रहेगी तो इसका जो अर्थ है वह निश्चित अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसलिए कारक का किसी भी वाक्य में जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यह कारक की परिभाषा है। हमें उम्मीद है कि कारक की परिभाषा आप लोगों